देखिए ये आज हम फ्लावर बनाना सिखाएंगे आपको, जो कि देखिए कितना सुंदर है। इसे आप किसी भी चीज में, स्वेटर में या फिर किसी थाल पोश या फिर किसी और डिजाइन का कुछ भी बना रहे हैं आप डेकोरेटिव मटेरियल, तो इस तरह का फ्लावर बना के उसे टक कर सकते हैं, सजा सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये फ्लावर और बहुत ही ईजी है और बचे खुचे ऊन से भी बनाया जा सकता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से यू मैजिक रिंग लेंगे, इस तरह से खींच लेंगे, उसके बाद हम दो चेन बनाएंगे, एक चेन दो चेन, इसी उसमें गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें टू चेन लेना है, एक दो चेन, ठीक है। दो चेन लेने के बाद हमें देखिए अब डबल क्रोशिया किस तरह से बनाना है। ये फंदा लेके हमने एक ही बार दो फंदों को गिराना है, ये दो फंदों को रहने देना है। फिर से ये फंदा लेना है और फिर इसमें हमें इस तरह से करना है। अब ये देखिए टोटल हमारा तीन फंदा रह गया है, इसमें तीनों फंदों को हमें एक साथ इस तरह से मिला लेना है, ऐसे मिलाते हुए गिरा देना है। फिर दो चेन लेना, एक चेन दो चेन, फिर से वैसे ही करना है, हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, बस ऐसे इस तरह से बनाना है, इस तरह से ये फंदा रहने देना है, निकालना नहीं है। फिर ये फंदा लेना है और इस तरह से बनाना है, फिर ये दो फंदे हमारे गिर गए, ये तीन फंदे रह गए, तीनों को इकट्ठा हमने निकाल लेना है। फिर से दो चेन, एक दो, इस तरह से हमें टोटल आठ बार करना है। एक तो ये है ही और ये सात बार और करेंगे, टोटल हमारा एट टाइम्स हो जाएगा। तो पूरा मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने बना लिया और इसको ऐसे टाइट कर लेंगे, ये हमारा टोटल आठ हो गया है। फिर से हम यहाँ पे दो चेन लेकर और यहाँ पे जहाँ ये दो चेन लिया था ना, यहाँ पे यहाँ हमें सिंगल ऐसे ऐसे स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ लेना है। और ये जो एक डबल क्रोशिया लिया था, यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशिया ये स्लिप नॉट ही करना है। अब इसमें इस गैप में, दो चेन के गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, उसके बाद एक चेन लेना है। अब इसमें हमें पांच डबल क्रोशिया करना, अब पूरा पूरा डबल क्रोशिया करना, जैसे दो फंदे हैं, फिर इसको भी निकाल लेंगे, फिर इसमें फिर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये पांच डबल क्रोशिया, इसमें पूरा पूरा हमें निकालना है दो बारों में, दो बार में हो गया। फिर ये एक चेन और इसी में ही हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच कर लेना है। कुछ लाइन लेते हुए आ गया हमारा, देखिए फिर से इसमें जाना है हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से, इस वाले दो चेन के गैप में आ गए, फिर से एक चेन लेना है और फिर से हमें पांच डबल क्रोशिया करना है। इस वाले में हमने डबल क्रोशिया तो किया था लेकिन हाफ ही किया था, इसमें दो बार करना है, मतलब ये दो फंदे हुए हैं तो इसे छोड़ना नहीं, इसको भी इस तरह से गिरा लेना है। तो दो डबल क्रोशिया हो गया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये लास्ट पांच डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और इसी गैप में हमें जहां हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया इसी गैप में एक सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये गोलाई लेते हुए बनता जाएगा। तो ये दो में बना लिया, अभी छह गैप है तो सब में मैं बना के आपको दिखा बना लिया है। ये देखिए ये पूरा फ्लावर हमारा बन गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में हैं, इसको अभी हमें छोड़ देना है फंदा और यहाँ जो हमने यहाँ पे आके सिंगल क्रोशिया किया था ना, इस वाले इस पांच फंदे में ऐसे हमें पीछे से डालना है इस फंदे को, फिर इसको ऐसे डाल के और ये धागा ऐसे खींचते हुए इसको पीछे की तरफ हमें ले जाना है इस फंदे को। ये देखिए ये हमारा फंदा पीछे की तरफ आ गया है, ये आ गया पीछे की तरफ। अब हमें चार चेन करना है, एक दो तीन चार। अब फिर अब यहाँ के बीच में आ गया, अब ये वाला जो था इसके बीच में जो हम देखिए दोनों यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ का सिंगल क्रोशिया और यहाँ का सिंगल क्रोशिया, ये दोनों सिंगल क्रोशिया है, ये वाला सिंगल क्रोशिया और इस वाले पटल का सिंगल क्रोशिया, इन दोनों सिंगल क्रोशिया को मिलाते हुए हमने यूं करके और सिंगल क्रोशिया से निकाल देना है। फिर से चार चेन करना है, एक दो तीन चार, फिर यही करना है हमें नेक्स्ट
दोनों पैटर्न के सिंगल क्रोशिया जो है इस तरह से देखेंगे, हमें दोनों का सिंगल क्रोशिया हमें नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका सिंगल क्रोशिया और ये यहाँ का, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इन दोनों को उठाते हुए सिंगल क्रोशिया से कर लेना है। इसी तरह से हम सारे पेटल्स के पीछे इस तरह से सिंगल क्रोशिया चार चार चेन बनाते जाएंगे और इधर जोड़ते जाएंगे। तो जो चार चेन बना लिया लास्ट का है, अब ये जो बनाया था ना हमने शुरुआत का यहाँ पे, इसके इसमें हमें स्लिप नॉट से इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेना है, इसे जोड़ लेना है। अब हमें हर एक गैप में चार चार चेन के गैप में, पहले तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देते हैं यू, फिर एक चेन, जैसे इसमें हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हमें सात डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया और ये लास्ट सात डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक चेन लेना है और इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से बांध लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले जो चार चेन लिया था इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जाना है, फिर एक चेन लेना है और फिर उसी तरीके से हमें सात डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए तो कुछ हमारा फूल इस तरह से बनेगा, देखिए ये उठा उठा सा हो जाएगा, ये सब बनेगा इसके नीचे नीचे, ये फ्लावर मेरा इस तरह से उठ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से मैं पूरा बना के आपको, मैंने पूरा बना दिया है। अब मैं इसको यूं यहाँ पे तो सात चेन करके, सात डबल क्रोशिया करके एक चेन करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पे नीचे इसके उसमें इस वाले पेटल में इस तरह से करके और इस तरह से सिंगल स्लिप नॉट करके एक चेन करके हमें कट कर देना। ये कट कर दिया, इसको खींच लेना है, इन दोनों को हमें अच्छे से अंदर छुपा देना है। इसको ऐसे भी रहने दें क्योंकि हम इसको किसी चीज में लगाने के काम कर सकते हैं, किसी स्वेटर में बना के लगा सकते हैं या फिर कोई थालपोश वगैरह इससे भी टिकिया से बना सकते हैं या कोई डेकोरेटिव मटेरियल। तो ये जो बीच वाला है इसे आप धागा रहने दें, इसको आप छुपा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्लावर किस तरह कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।